भाई मीटर एंड कर दिया, मीटर एंड। वाले सिलेंडर का ये पाइप है, मतलब दो एग्जॉस्ट हैं इसके अंदर, दोनों बन के इधर एक बन गया है। और ये इसकी आवाज़ एक बार सुना देता हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। भाई एक और वीडियो के साथ मैं आ गया हूँ लेके आपके सामने हायाबुसा। ठीक है, अभी हायाबुसा दिखाएंगे। तो भाई मैं अभी देखो यहाँ से निकल रहा हूँ घर से, हमारे भाई हैं एक हैदर भाई। तो भाई हैदर भाई का ये जो हेलमेट रखा हुआ है नोलन का, ये भाई जिस दिन हमारी बाइक की डिलीवरी थी उस दिन एक्साइटमेंट में मैं अपने सारे हेलमेट, मतलब एक भी हेलमेट नहीं लेके गया था मैं जल्दबाजी में। मुझे लगा कि भाई मेरे दोस्त ने रख लिया हेलमेट या भाई ने रख लिया, तो मैंने कॉल कर दिया था। वो लोग भी डिलीवरी पे आ रहे थे, राम भाई लेकर आए थे। ये हेलमेट हमारे हैदर भाई का है, तो ये हेलमेट अब मैं लेके यहाँ से जा रहा हूँ। पहले जाऊँगा उनकी शॉप पे, फिर ये हेलमेट हम उनके सुपुर्द करेंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे आज हमारी हायाबुसा सुजुकी से मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो उसका भी एक विषय है भाई, अगर कोशिश तो रहेगी कि आज मिल जाए, सर्विस हो चुकी है या नहीं हो चुकी है उसके बारे में तो हमें वहीं पे ही पता लगेगा जाके। ये खड़ी हमारी स्कूटी, जैसे स्प्लेंडर होती है वैसी स्कूटी होती है भाई। इसकी स्टार्टिंग मुझे इतनी पसंद है ना भाई, इस स्कूटी की, ये जो 6G स्कूटी आई थी भाई, इसके अंदर स्टार्टिंग की, ओ हो भाई बता नहीं सकता मैं। सेल्फ की तो इतनी सी भी आवाज़ नहीं आती, इतनी सी भी है। देखो दोबारा दिखाता हूँ स्टार्ट करके। आई हो गई ना स्टार्ट, सेल्फ की ज़रा सी भी आवाज़ नहीं आई। देखो क्या मस्त स्टार्टिंग है यार, सेल्फ की आवाज़ ही नहीं आती, पता नहीं क्या ही कर दिया भाई होंडा ने। अच्छा ये वाला सेल्फ का जो सिस्टम है ना, अभी तक किसी भी स्कूटी ना किसी बाइक में आया हुआ भाई। इतना तगड़ा सिस्टम है ना ये, बता नहीं सकता भाई, पता ही नहीं लगता कि सेल्फ लग गया या नहीं लग गया। अगर 1% कल को इसमें कोई दिक्कत आ गई सेल्फ में या फिर कोई प्रॉब्लम हो गई ना, तो पता भी नहीं लगेगा कि सेल्फ ख़राब है या फिर क्या है, सेल्फ लग भी रहा है या नहीं लग रहा। वाकई में बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी यूज़ की है भाई होंडा ने इसके अंदर। ओहो जिस काम के लिए जा रहे हैं वो काम तो किया ही नहीं यार। ओहो भाई यहीं से थोड़ा सा वापस लेके यूटर्न मारना पड़ेगा यार, हेलमेट तो भूल ही गए। हेलमेट के लिए जा रहे थे और हेलमेट ही भूल गया। अच्छा हुआ यहीं पे याद आ गया, वरना अगर बातों में जो है याद नहीं आता वहाँ जाके बड़ी दिक्कत हो जाती यार। ओ भाई के वंदे, रोल्स रॉयस ईस्ट दिल्ली में मेरी जान, देख रहे हो। अब भाई दिल्ली में बहुत पैसा है लोगों पास, ये देखो रोल्स रॉयस ही लेके जा रहा भाई लौंडा मजे में। चलो इसका साइड का लुक देखते हैं, अंदर देखते हैं कहीं अमिताभ बच्चन तो नहीं बैठा। वाह इसका तो संजय दत्त जैसा मुंह है इतना बड़ा। लेकिन भाई मज़ेदार गाड़ी है, बिल्कुल बहुत ही मज़ेदार गाड़ी है। ये जा रही है भाई साहब रोल्स रॉयस। भाई स्कूटी दूरी रखो वरना भाई साहब एक स्क्रैच भी जो है ना वो पूरी स्कूटी खा जाएगा इसकी। हाँ जी सुपर बाइक डॉक्टर हैं क्या? अस्सलाम वालेकुम भाई, अस्सलाम वालेकुम, सुपर बाइक डॉक्टर हैं क्या? अरुण भाई कैसे हो मेरे भाई, और राम भाई 1200 में काम नहीं चलेगा। ये लो अपना भाई सुपुर्द कर दिया हमने। दे 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 दे।
तो देखो भाई आते ही मैं यहाँ पर जैसे ही आया ना भाई, हमें आते ही भाई हमें पैसे ऑफर कर रहे हैं। देखो पैसे दे रहे हैं, कितने पैसे हैं? 4,000 रुपये। किस बात के भाई? यहाँ आने के देखो भाई, देखो दोस्ती ऐसी करो कि जहाँ जाते ही पैसे मिल जाते, समझे? देख रहे हो 4,000 रुपये में जेब गर्म हो गई भाई आते ही, और यहाँ पे आने के पैसे लेता हूँ मैं, देख रहे हो ना? तो भाई दोस्ती ऐसी करो, यारी दोस्ती ऐसी बनाओ कि वहाँ जाते ही पैसे मिल जाते हैं, समझ गए? टाइम खराब करने से कोई फायदा नहीं है भाई। आज अभी चलाएंगे हम ये यहाँ पर आके भाई एक्यूला, जो कि 250 cc की बाइक है। 250 है ना ये? हाँ भाई, क्योंकि इसमें 650 भी आती है ना एक, और देखने में भाई बड़ी हैवी लगती है ये बाइक, और चलाने के बाद देखते हैं कि किस तरीके की चलती है भाई। चश्मा लगा लेते हैं, चलो भाई अभी स्टार्ट करके देखते हैं। बैठने के हिसाब से तो इसका फुटरेस्ट देखो ज़रा क्या मस्त है यार, वाह पूरा पैर ऐसे आ जाए। अच्छा ऐसा फुटरेस्ट जो है ना, सबसे पहले मैंने देखा था यामाहा की जो एंटाइजर आई थी एक बाइक, अगर आप लोगों को याद हो तो, यामाहा की एंटाइजर जो बाइक आई थी उसके अंदर सबसे पहले ऐसा फुटरेस्ट मैंने देखा था। ये इसकी स्टार्टिंग है, ये इसकी आवाज़ है। भाई हैंडल इसका जो है ना वो बिल्कुल जैसे फैट बॉय हार्ले डेविडसन की जो फैट बॉय होती है ना उसकी तरह है, मगर जो बात है भाई कंफर्टेबल इतनी है कि बस बताओ बस। वाह वाह वाह, आवाज़ तो यार अच्छी आ रही है इसकी, सुन रहे होगे आवाज़ इसकी आप। अच्छा भाई कंफर्टेबल ये इतनी है कि आप इसे कितना भी लंबा ले जाओ भाई, ओहो मज़ा ही आ जाएगा भाई लॉन्ग रूट पे चलाने में से। एक्यूला जो कि हेवसंग एक कंपनी आई थी, हेवसंग की GT भी थी और हेवसंग की GTR एक बाइक आई थी, वो भी ज़्यादा नहीं चल पाई। हेवसंग जो है ना वो ज़्यादा कुछ कमाल दिखा नहीं पाई इंडिया के अंदर, और इसकी बाइक जो है ना वो फेल हो गई, फेल। अभी इसे आगे जाके थोड़ा सा खाली रोड दिखाई देगा तो थोड़ी सी देखेंगे, आगे बढ़ाएंगे खींचेंगे। और इसका जो है ना इसकी आवाज़ भी सुनाऊंगा भाई कि कैसी आवाज़ है इसकी। ये इसका स्टैंड, अब भाई इसके चारों तरफ से मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये कुछ इस तरीके की लगती है भाई बाइक, कुछ इस तरीके की बाइक है ये, और हेवसंग एक्यूला जो कि 250 cc। भाई दो सिलेंडर हैं इसके अंदर, ये देखो दो सिलेंडर का मतलब आपको मैं बता दूं कि भाई देखो एक सिलेंडर इसका ये रहा एक इंजन, और एक पिस्टन मतलब एक सिलेंडर इसका ये रहा, ठीक है, और सिंगल बैंड पाइप आ रहा है इसके अंदर से, और ये दो सिलेंडर इसके अंदर है, एक इधर से आ रहा है सिंगल बैंड पाइप और एक इस वाले सिलेंडर का ये पाइप है, मतलब दो एग्जॉस्ट हैं इसके अंदर, दोनों बन के इधर एक बन गया है। और ये इसकी आवाज़ एक बार सुना देता हूँ, पटाखे मार रही है भाई पटाखे। ये देखो एलॉय बिल्कुल फैट बॉय, फैट बॉय नहीं लग रही? अब देखो कमेंट करके बताओ फटाफट, इससे पहले अगर किसी ने ये बाइक देखी हो और इस बाइक के बारे में जो भी जानता हो या जो यूज़ कर रहा हो इस बाइक को, भाई कमेंट करके मुझे बताओ कि किस तरीके की बाइक है। अच्छा पीछे का फुटरेस्ट मैं आपको दिखाऊँ, देखो क्या बढ़िया फुटरेस्ट है यार, पीछे का भी ऐसा फुटरेस्ट कि भाई बता नहीं सकता मैं, इतना कंफर्टेबल, मज़ा आ गया बैठ के भाई, बढ़िया। इसकी थोड़ी सी अभी एक राइड और करते हैं, थोड़ा लंबी से लेके चलता हूँ इसे और इसके बारे में पूरा बताऊँगा भाई। 250 cc की जो है ये बाइक है, छोटा सा रेडिएटर है भाई, ऑयल कूल्ड वाला रेडिएटर है इसके अंदर, ऑयल कूल्ड जो ऑयल से मतलब इसके अंदर जो है ना कूलेंट वूलेंट नहीं पड़ता, ये ऑयल से कूल करता है। इंजन का ही ऑयल जो है इसके अंदर जाता है इस पाइप के थ्रू, इस वाले पाइप के थ्रू इंजन का ऑयल जाता है इस रेडिएटर के अंदर, रेडिएटर के अंदर जाने के बाद यहाँ से घूम फिर के सारा ठंडा हो के इधर से फिर दोबारा इंजन के अंदर जाता है ऑयल ठंडा हो के। भाई भाग तो बहुत सही रही है ये, मतलब नॉर्मल 250 के हिसाब से बहुत अच्छी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी भाग रही है भाई बाइक,
सही में बहुत ही अच्छी भाग रही है। भाई मीटर एंड कर दिया, मीटर एंड। ये भाई सही में भाग भी अच्छी रही है यार ये, अच्छी। वह कहाँ लेके आ रहे हो यार चौमिन, बहुत ही सही चल रही है भाई। मतलब लॉन्ग रूट के लिए इतनी बढ़िया बाइक है ये सच में, मगर पता नहीं क्यों कंपनी फेल क्यों हो गई, कंपनी बंद क्यों हो गई, यही समझ नहीं आया मुझे। बहुत अच्छी बाइक है भाई, चलाने में बहुत अच्छी है। अच्छा मैंने GTR 250 भी चलाई हुई है, GTR 250 भी मैंने चलाई हुई है, उसकी मैंने वीडियो उसकी भी डाली थी बना के। लेकिन जो इस जितनी स्मूथनेस इसमें है ना, उतनी स्मूथनेस उसमें बिल्कुल नहीं है, और ये कंफर्टेबल ज़्यादा है। अरे चलो चाचा, तो भाई ये देखो ये रही एक्यूला ह्यूसन की 250। भाई इसकी जो बैठने का जो वो है ना हिसाब किताब, पूरे बम आ जाते हैं पूरे बम सेट हो जाते हैं, और कमर भी इससे टिक जाती है भाई। ये लॉन्ग रूट के लिए इतनी बढ़िया बाइक है कसम से भाई, ले जाओ उड़ा दो, मज़ेदार बाइक है एकदम। और भाई किस किस के पास ये बाइक है और कौन कौन इसे यूज़ कर चुका है और किसी को इसके बारे में नहीं पता था किस किस को, वो भाई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना इस बाइक के बारे में, क्योंकि ये बाइक मैंने भी पहली बार ही चलाई है। लेकिन कंपनी को मैं जानता हूँ बहुत पहले से, और कौन इस कंपनी के बारे में नहीं जानता है कमेंट करके बता देना एक बार, और जिसके पास है वो भी बता देना भाई, परेशान हो या फिर चला रहे हो, अच्छी चल रही है ख़राब चल रही है बताना ज़रूर, क्योंकि ज़्यादातर मैंने ह्यूसन ओनर्स को देखा है वो ज़्यादातर परेशान ही रहते हैं क्योंकि इसके पार्ट्स नहीं मिलते, क्योंकि कंपनी यहाँ से छोड़ के चली गई है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।